ये शुद्ध रूप से तबलीगी जमात का तालिबानी जुर्म है। इस तरह के आपराधिक कृति को किसी भी तरह से न नजरअंदाज किया जा सकता है और न माफ किया जा सकता है। जिस तरह से कितने लोगों की जिंदगियां, कितने लोगों की जानों को इन्होंने खतरे में डाला, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आज पूरा देश जब एक स्वर में एकजुट होकर के इस कोरोना के कहर को खत्म करने के लिए, उसको परास्त देने के लिए, उसको शिकस्त देने के लिए एकजुट खड़ा हुआ है, तो ऐसे हालात में इस तरह की खतरनाक सोच, इस तरह की खतरनाक आपराधिक चीजें, इसको हम एक नेग्लिजेंस नहीं कहते, इट्स क्रिमिनल नेग्लिजेंस, एक आपराधिक लापरवाही है। और लापरवाही हम नहीं, बल्कि इसको कहीं ना कहीं जो है वो जानबूझ करके इस तरह की चीजों को किया गया है। और ऐसे जुर्म को न माफ किया जा सकता है, न नजरअंदाज किया जा सकता है। आज पूरा मुल्क जो है, आज इन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान क्या किया है, खुद उन लोगों का किया है जिनके बीच में घूमे हैं। और वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जिनको ये जो है वो तबलीग कर रहे थे। कितना बड़ा नुकसान किया है उन्होंने। आज सारे जहां जहां पर देश के दुनिया में जहां जहां ये घूमे हैं, सभी जगह पर लोग सस्पेक्टेड हो गए हैं, सभी लोग जो है संदेह के घेरे में आ गए हैं।